कितने लोग कहते हैं हमको राजनीति से क्या लेना देना, लेना देना क्यों नहीं है, सबको लेना देना है, क्योंकि जब सोएत से इंदौर जाओगे, सड़क पर जाओगे, सड़क तो राजनेता ही बनाते, और राजनेता का चुनाव सही नहीं करोगे तो सड़क का डंबर बेचकर खा जाएगा, गिट्टी खा जाएगा, सड़क गड्ढा गड्ढी वाली बना देगा, दो चार महीने में सड़क उखड़ जाएगी। इसलिए लेना देना तो मुझको भी है तुमको भी है। इसलिए मैं कहता हूं चुनाव के समय सावधान रहो। जिंदगी चुनावों से भरी हुई है, पत्नी का चुनाव, बहू का चुनाव, पड़ोसी का चुनाव, रिश्तों का चुनाव, राजनीति का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, भक्त का चुनाव, भगवान का चुनाव, चुनाव आपको करना है। आपके सामने चुनाव की चुनौती ललकार रही है कि संभल करके चुनाव कीजिए। अगर चुनाव में चूक गए तो जिंदगी भर चूने जाओगे, अगर चुनाव में चेत गए तो जिंदगी भर आनंद उठाओगे, जिंदगी भर आनंद उठाओगे। जिन लोगों ने गलत पत्नी का चुनाव कर लिया है अब बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन फंस गए तो क्या करें। जिन लोगों ने गलत पति का चुनाव कर लिया है, बचपन में ही लव मैरिज कर लिया है, अब खूब चिल्लाते हैं, कहते लव मैरिज तो महंगी पड़ गई, तब कोर्ट मैरिज कर लो जाकर। बोले वो तो उससे महंगी है, बहुत बड़ा फंदा है, तो फिर सामाजिक मैरिज कर लो। ये केवल किसी के चेहरे को देख करके ललचा जाना और चट मंगनी पट ब्याह कर लेना, इसका रिजल्ट भी बहुत खराब आने वाला है। याद रखना, जब 500 लोग तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होते हैं, वे सब गवाह होते हैं कि आपने शादी किया है, आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन जब लव मैरिज किया है तुमने दोनों ने भाग भूक करके, तो तुम्हारे बीच में कुछ गड़बड़ होगा तो कौन समझाने आएगा, तुम्हारा पति तुमको मार डालेगा या तुम उसको मार डालोगी, इधर उधर भटकोगी कहीं। ये जवानी का जोश आपको चुनाव करने में चूक करा देता है। थोड़ी थोड़ी चीजों का लालच राजनीतिक चुनाव में गलती करा देता है। आज जो हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक चुनाव हो, लेकिन सब लालच के चुनाव है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में था तो एक पार्टी ने अपना बोर्ड लगाया कि मेरी सरकार आएगी तो 1 रुपये किलो चावल दूंगा, तो दूसरी पार्टी ने अगले दिन बोर्ड लगा दिया कि मेरी सरकार रहेगी तो 8 आना किलो दूंगा, 50 पैसा किलो। तो मैंने कहा जब 50 पैसा किलो चावल मिलेगा, 1 रुपया किलो चावल मिलेगा, तो सड़क का बजट, शिक्षा का बजट, रेलवे का बजट, चिकित्सा का बजट, सुरक्षा का बजट, वो सब कटौती करके और ये 8 आने किलो चावल में चला जाएगा। और मेरे को तो हंसी आती है कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव आता है तब पार्टियां कहती हैं कि हम गरीब के साथ हैं। यदि वास्तव में तुम गरीब के साथ होते तो 70 साल में कोई गरीब नहीं रह जाता, सब अमीर हो जाते। आज भी गरीबी झलक रही है, इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो, तुम गरीब के साथ हो, तुम गरीब के साथ बिल्कुल नहीं। नहीं तो ये गरीब क्यों है आज तक, आज तक इसको 1 रुपया किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है, ये अपने पेट भर का नहीं कमा पा रहा है। ये कितनी बड़ी भारत देश की तौहीनी है। हम गीत गाते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, और चावल खाने को घर में नहीं है वहां लाइन में लगाई डेरा। ये सब क्या गीत गा रहे हैं, फालतू झूठे गीत। कहीं ना कहीं से गलत डिसीजन हो रहे हैं, और ये फ्री फंट वाले लोगों को भी चेतना चाहिए। धिक्कार है तुमको जो अपने पेट और परिवार के लिए भी तुम नहीं कमा सकते हो, दूसरे के सामने ये ललचाते हो कि
जो कुछ फ्री फोकट में दे दे उसको वोट दे देते हो, तो क्या अपने घर से ला करके ये देंगे आपको? ये आपकी देश की इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स, इस पैसे को उठाकर जो देश के विकास में पैसा लगना था, रोडों की चौड़ाई बढ़ाने में लगना था, रेलवे लाइन बढ़ाने में लगना था, 500 ट्रेनें नहीं चलाना था, भीड़ भाड़ वहां मची हुई है, हॉस्पिटल नहीं खोलना था, वो सब कुछ नहीं होगा, केवल फोकट का चावल खाते रहो और ट्रेन में जाकर धक्का खाते रहो। ये संसार इसी लालच में फंसा हुआ है। तो मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। मैं जब साधु बना तो मैंने देखा मेरे आश्रम में भी बहुत गरीबी, कबाड़ खाना। तो मेरी उम्र उस समय 21 साल थी। आते ही मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझे कमान संभलवाइए, सारी गरीबी मिटा देना। बोले तो तुम संभाल लो। तो हमने कहा इतना कबाड़ा क्यों काम है ये सब? 6 महीने के अंदर गरीबी मिटना शुरू हो गई। जो आदमी कठिन मेहनत करना चाहता है, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करना चाहता है, और जो आदमी रात को रात, दिन को दिन नहीं समझता है, जब जरूरत तब काम के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पास में आलस्य नहीं है, कोई प्रकार की गलत आदत नहीं है, उसके पास गरीबी फटक नहीं सकती है, लक्ष्मी उसके चारों ओर नृत्य करती है और माला माल रहता है। मैं सभी को धनवान देखना चाहता हूं, गुणवान देखना चाहता हूं। जब सत्संग हो कम से कम 2-4 हजार कारें खड़ी होना चाहिए। ये मोटरसाइकिल देखना नहीं चाहता हूं, ये साइकिल पाइकिल फिटफिटी खड़बड़ खुड़बुड़। ये सब महिलाएं कार में बैठकर आए, इनके पति लोग कार ड्राइव करके आए, इनको ड्राइव करना ना आता हो तो इनको ड्राइव करना सिखाओ, ये कार ड्राइव करें और तुम पीछे बैठो, सीटी बजाओ, हॉर्न चलते रहो। पैसे दारू में मत खर्च कीजिए, पैसे नशा व्यसन में मत खर्च कीजिए, जुआ सट्टा में मत खर्च कीजिए, आलस बिल्कुल मत कीजिए। निशाना लगाइए कि हमको कार लेना है, एक एक पैसे की बचत कीजिए। आपकी छोटी सी बचत 10 साल के बाद द्वार पर कार खड़ी हो जाएगी। अपने महिला का हार भले सस्ता हो लेकिन कार अच्छी होना चाहिए। ये माताएं बहनें भी बड़ी तमन्ना रखती हैं कि मेरे घर में कब उन्नति होगी, कब विकास हो। कितनी स्त्रियां रोती भी हैं कि हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये बेचारी असमर्थ भी हो जाती। इसमें 99% स्त्रियां तो अपने पति के पीछे लगी हैं। पति इंजन है और डब्बा है, अब इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, डब्बा क्या करे? अब डब्बा ढकेलता है इंजन को, अब इंजन में रिंग पिल पिस्टन सब डाउन है, स्टार्ट नहीं होता है, मोबिलाइज